भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म ही जीवन है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जब तक जीवन है तब तक उसको कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करते चलो, समाज के हर वर्ग के लिए, उसके फायदे के लिए जीवन भर मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। जल जीवन का आधार है, धरती पर जल ही जीवन की उत्पत्ति का कारण है। ऐसे में पानी का निजीकरण एवं विपणन एक गंभीर समस्या है। देश में जब हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में गए, गाँव में गए, उसके बाद अपार्टमेंट्स में गए, हाउसिंग सोसाइटीज़ में गए, RWAs रेसिडेंशियल सेक्टर्स में गए, तो सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों में हमें यह हर जगह से आवाज़ आई कि पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसको पीने योग्य पानी मिले, इसकी बहुत आवश्यकता है और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की है। तो हमने उसके लिए एक जन जागरण का अभियान शुरू किया जलाधिकार जन आंदोलन के नाम से, और उसमें स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन की जाए, उसके साथ नुक्कड़ नाटक किए जाएं, जल गीत के माध्यम से जन जागरण किया जाए, और पद यात्राएँ की, जल उपवास किए, पानी की समस्याओं को लेकर, RWAs को लेकर, लोकल अथॉरिटीज़ को लेकर, जन अदालतों का भी वहाँ पे कार्यक्रम किया गया, जिससे पानी की रोज़मर्रा की समस्याओं का भी समाधान हो। आज देश भर में हमारी बहुत बड़ी टीम है, दिल्ली और नोएडा में ही नहीं, तो हमने बंगाल में, बॉम्बे में, उड़ीसा में, पुणे में, इन सब जगह पे भी कार्यक्रम किए हैं। गोपाल जी हमारे गांव में आए पार्टी समेत, जब उन्होंने इनसे बात करी और उनसे समस्या बताई कि हमारा गांव पानी बहुत हमारे गांव का पानी है जमा हो जाता है और कहीं पानी का निकास ना है, उन्होंने गोपाल जी ने कहा हम गांव में तुम्हारे गांव में पोखर खुदवाएंगे और तुम पोखर का इस्तेमाल करो। उसी प्रकार यमुना बचाओ आंदोलन, जल अदालत, जल उपवास और कई स्कूली स्तर पर कार्यक्रम अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से किए गए। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम मात्र निमित्त के रूप में अपने कार्य कर्तव्य कर्मों को करते रहो, इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है।